अस्सलाम वालेकुम जी, आज जो लॉजिक है जी वो है बेस एंड पावर नंबर की। इसमें सबसे पहले हम बेस नंबर लेंगे यूज़र से और फिर पावर नंबर लेंगे। अब बेस और पावर नंबर का ये होता है लॉजिक कि जो आपकी पावर नंबर होगी, मतलब जो तादाद पावर नंबर की होगी, उतनी ही बार आपने बेस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बेस नंबर ले लिया है जो कि हमने सोचा है कि मिसाल के ऊपर शायद 3 है, और पावर नंबर ले लिया वो भी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 है। और अभी आपके सामने ये आपकी लूप है, और लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होकर पावर नंबर लेस एंड इक्वल देन आई लेस एंड इक्वल पावर नंबर तक जाएगी, यानी कि 3 तक जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लूप के नीचे कोई भी मैंने ब्लॉक नहीं बनाया। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जब आपने लूप के नीचे या इफ एल्स के नीचे सिंगल स्टेटमेंट लिखनी हो तो उसमें आपको ब्लॉक बनाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल आपका फार्मूला है रिजल्ट नंबर इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस नंबर। अब बेस नंबर आपका 3 है, वो पहली बार मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट के साथ, रिजल्ट जो कि 1 है इस वक्त यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं रिजल्ट इसको 1 है, और 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, वो इसको स्टोर हो जाएगा 3 अगली रिपीटेशन के ऊपर, क्योंकि लूप 3 बार चलनी है, पावर नंबर 3 है, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, इसके साथ स्टोर हो जाएगा 9। फिर अगली बार जो तीसरी रिपीटेशन होगी 3 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, जो कि स्टोर हो जाएगा 27। इस तरह आपका नंबर जो है आप यहाँ पर डिस्प्ले करा लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।